डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 30 अस्थायी नए डॉक्टरों की नियुक्ति के रूप में जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शासन ने जिले में इन डॉक्टरों को तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनमें से अभी तक 24 डॉक्टरों ने जिले के अलग अलग अस्पतालों में कार्यभार संभाल लिया है। सीएमओ पिथौरागढ़ के अनुसार धारचूला में 6 डॉक्टर, गंगोली हाट 2, मुंशियारी 1, बैरीनाग 2, जिला महिला चिकित्सालय 2, बड़ालू 4, इग्यार देवी 1, डीडी हार्ट 3, कनाली छीना में 3 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश हैं। इन डॉक्टरों की तैनाती से अब तक डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे सीमांत जिले को काफ़ी राहत मिली है। साथ ही इन डॉक्टरों को अस्पताल भी अलॉट कर दिए गए हैं, जिससे जिले के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शेष डॉक्टर भी जल्द जिले में ज्वाइनिंग कर लेंगे। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट। अभी अभी हमें इस बार अभी लेटेस्ट महीनों में हमारे 30 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पर हुई है, जिनमें से 24 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। धारचूला में 6 डॉक्टरों ने, ब्लॉक बड़ालू में 4 ने, कनाली चना में 3 ने, मुंशारी में 1, डीडी हाट में 3, गंगोली हाट में 2, पेरीनाक में 2, जिला महिला चिकित्सालय में 2 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इग्यारदेवी में 1, कुल मिला के 24 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टरों के मिलने पर हमें भी काफ़ी सहायता मिलेगी, और जो कि जनहित में रहेगा, और जिससे कि ये ऐसी जगह में भी रहकर डॉक्टर सेवा दे पाएंगे। और सबसे मेन हमारा उद्देश्य है कि जनता को, लाभार्थी को हमेशा लाभ मिले, उन्हें अच्छी चिकित्सा सेवा मिले। ये अभी हमारे परमानेंट डॉक्टर्स जो हैं वो 30 डॉक्टर की स्वीकृति मिली है यहाँ के लिए, उसमें से हमारे 24 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। तो हमारा जो है धारचूला में 6 डॉक्टर, 6 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है, बड़ालू में 4 डॉक्टरों ने, कनाली चिना में 3, मुंशारी में 1, टिडी हाट में 3, गंगोली हाट में 2, बेरीनाक में 2 और जिला महिला चिकित्सालय में 2 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इग्यारदेवी में 1, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है फिलहाल अभी तक की जो सेवा में परिवर्तन काफ़ी कुछ आया है। इसमें हमें ये डॉक्टर्स मिलने से हमारे जो डॉक्टर जो हमारे अधूरे थे, रिक्तियाँ रिक्त पद चल रहे थे, उसकी पूर्ति होने से स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी परिवर्तन आया है, और जिससे कि जनता को जनता के जो कि जनता के हित में होगा।